पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, भीड़ ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव किया है, साथ ही ननकाना साहिब गुरुद्वारे का नाम बदलने और सिखों को वहां से भगाने के नारे भी लगाए गए हैं। इस दौरान काफी संख्या में सिख श्रद्धालु ननकाना साहिब गुरुद्वारे में अंदर फंसे रहे और वहां से जल्द निकालने की मांग भी करते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर हुआ हमला, गुरुद्वारे पर भीड़ ने की पत्थरबाजी, अल्पसंख्यक सिखों पर पाकिस्तान में अत्याचार, पाकिस्तान का काला चेहरा हुआ फिर बेनकाब। यहां पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में किसी धार्मिक स्थल पर हमला हुआ। पाकिस्तान में मस्जिदों तक पुट नहीं छोड़ा जाता है, यहाँ मस्जिदें तक आतंकियों के निशाने पर रहती हैं। लेकिन इस बार भीड़ ने गुरुद्वारे को निशाना बनाया है। इस भीड़ को देखिए, इस भीड़ ने गुरुद्वारे पर पत्थर बरसाए। ये पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिखों पर अत्याचार की नई तस्वीर है। ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर शुक्रवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पथराव किया और हमलावरों ने ननकाना साहिब का नाम बदलने की धमकी दी। अब पाकिस्तान में सिखों को धमकियां दी गई, भारत में भी सियासी हलकों से आवाज आने लगी। बीजेपी के संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तान में हमारे सिख भाइयों को धमकी दी जा रही और इन कांग्रेसियों को अब भी सबूत चाहिए कि हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पाकिस्तान में ननकाना साहिब सिखों पर हमला हुआ और यहां पाक का विरोध की बजाय जिन पर पाकिस्तान में अत्याचार हुए उनको वापस लेने का विरोध हो रहा है। कहां गए राहुल के पाक ब्रांड एम्बेसडर सिद्धू, टुकड़े टुकड़े गैंग व विपक्ष सब चुप, क्या मोदी इनका दर्द न सुने, क्या इन्हें नागरिकता न मिले। आपको बता दें कि पाकिस्तान में शुक्रवार की शाम सैकड़ों कट्टरपंथी मुस्लिमों ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सिखों को भगाने और ननकाना साहिब का नाम बदलने की धमकी भी दी। घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, R90 न्यूज़।